ओ हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टड मोटो ब्लॉग्स। तो आज आप देख सकते होंगे हम बजाज के शोरूम पे वापस आ चुके हैं और अपनी एक बजाज ने एक नई लॉन्च करी है बाइक, जो कि है अपनी बजाज पल्सर N160। तो वो खड़ी, इसका हमने आज मतलब पहले ही रिव्यू कर रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये नई बाइक लॉन्च हुई है N250, जो कि लगभग मिलते जुलती लुक है 160 से, पर अगर इसमें पावर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो वो ज़्यादा हाई मिल जाएगी। और इसकी अगर सीसी की बात करें तो इसमें सीसी 250 सीसी में मिल जाती है, वो 160 सीसी में। तो ये बिल्कुल सेम लुक्स में लॉन्च करी है, ज़्यादा लुक्स में डिफरेंस नहीं दिखता। बाकी अगर पावर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो उसमें थोड़ा डिफरेंस मिल जाता है। पावर स्पेसिफिकेशन थोड़ा बाद में बताएंगे, पहले इसके फ्रंट लुक पे आ जाते हैं। फ्रंट लुक बिल्कुल सेम वैसे ही देखने को मिल जाती है अपनी N160 की तरह। एलईडी प्रोजेक्टर मिल जाता है आगे, एलईडी मतलब लाइट्स मिल जाती है, हेडलाइट्स जो कि प्रोजेक्टर टाइप में दे रखा है, बहुत अच्छी खासी विजिबिलिटी दे देता है। और इसकी अगर हम कलर की बात करें ना, कलर सीरियसली बहुत अच्छा है। आगे हम बात करें तो ब्लैक कलर मिल जाता है आपको, ग्लोसी ब्लैक टाइप में। और यहाँ पर पीछे बीच में मैट फिनिश में थोड़ा सा ये दे रखा है ना, स्टिकर्स लगा रखे हैं, बहुत अच्छी लुक्स दे रहे हैं इसकी। और ये बीच बीच में ये ब्लैक ग्लोसी में अच्छी खासी लग रही है भाई, लुक्स के मामले में नेकेड मॉन्स्टर टाइप लगते हैं भाई आगे से, सीरियसली कहूँ ना। ये जो लुक्स है ना, बहुत अच्छी है इसकी। और यहाँ पर आपको अगर हम N160 की बात करें ना, तो यहाँ पर पहले इन्होंने शायद वो मैंने अपनी वीडियोस में भी दिखाया था, कार्बन ग्राफिक्स दिए थे, पर इसमें नहीं है। तो और ये इसका जो मडगार्ड है ना आगे, यहाँ पर ये स्टिकरिंग मिल जाती है छोटी सी, और यहाँ पर थोड़ी बहुत देखने को मिल जाती है स्टिकरिंग। और ये अपना पल्सर का जो मेन लोगो, अच्छा लग रहा है भाई। और ये अपना मेन बैचिंग N250 की। और इसकी बैक लुक की बात करें तो बैक लुक में LED टेल लाइट मिल जाती है, LED इंडिकेटर्स के साथ। और इसके एग्जॉस्ट पे आ जाते हैं, अब एग्जॉस्ट भाई इसके मैचिंग दे रखा है ब्लैक कलर में, ड्यूल एग्जॉस्ट है। यहाँ पर ड्यूल एग्जॉस्ट अच्छी खासी लुक दे रहा है, छोटा सा एग्जॉस्ट है, ज़्यादा कुछ भी बड़ा नहीं है। अगर हम इसकी एग्जॉस्ट की बात करें तो मेजर डिफरेंस N160 और 250 में यही दिख रहा है मेरे को, जिसमें एग्जॉस्ट है ना N160 में, वो अपना थोड़ा अंदर आ जाता है, जो कि मतलब अगर बारिश में अगर हम फंस जाते हैं तो जो अपनी वाटर मतलब पानी चला जाता है अंदर, वो बाहर निकाल देता है। इसमें भी वो सिस्टम होगा, पर इसमें जो इसका एग्जॉस्ट है ना, वो थोड़ा बाहर दे रखा है, अलग सा दिख रहा है। तो ये मेजर डिफरेंस लगा मेरे को, बाकी तो सेम ही है। नीचे अंडर बेली दे रखी है वो, जो प्रोटेक्ट करती है, और ये अपना साइड गार्ड्स जो अपनी फेयरिंग को प्रोटेक्ट करता है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। अब इसके हम मेन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आ जाते हैं, और हैंडल पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेम टू सेम डिटो 160 जैसा ही दे रखा है। इसको ऑन करके दिखाते हैं एक बार। तो भाई अगर इसको ऑन करके दिखा देना तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं देखने को मिल जाता है N160 और 250 के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, बिल्कुल सेम वही दे रखा है, बिल्कुल सेम वैसे ही ऑन होती है यार ये। और ये इसमें वही आ जाता है अपना 188, इसकी टॉप स्पीड इसमें दिखाता है, पर भागती तो मेरे हिसाब से ये अपनी 125 से 130 40 तक ही जाएगी मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं जा सकती क्योंकि नेकेड बाइक्स में आ जाती है। इसका अगर हम राइड रिव्यू हो सका तो वो भी करेंगे, उसमें इसकी टॉप स्पीड दिखाएंगे। बाकी इसमें अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो अपनी बैटरी का साइन दिखा देता है, इंजन का सेंसर, AGV मतलब ABS का साइन दिखा देता है। इसमें आपको ABS मिल जाता है, जो कि ड्यूल चैनल ABS मिल जाता है आपको, इसमें ड्यूल चैनल ABS देखने को मिल जाता है रेयर में भी और फ्रंट में भी ABS का साइन, और अपने न्यूट्रल का जो होता है मेनली। और ये जो डिजिटल अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पर स्पीड दिखाता है कितने किलोमीटर चली है, और इसमें टाइम वाइम सब कुछ दिखाता है भाई। और ये अपना RPM मीटर मेनली वही है, बिल्कुल सेम उसके जैसा। और इसमें एक फ़ीचर की बात करें तो यही अपना USB वाला, जो आजकल सब में आ रहा है, छोटी से छोटी बाइक में भी मिल जाता है आपको USB वाला, बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई ये USB वाला देके फीचर। ज़्यादा कुछ मेजर फ़र्क मेरे को अभी तक एग्जॉस्ट का लगा, और अपना ये पावर स्पेसिफिकेशन का, तो पावर स्पेसिफिकेशन का भी एक बार बता देते हैं आपको, इसमें कितनी पावर मिलती है एक बार, इसका डिटेल्ड कंपैरिजन ही हो जाएगा एक तरीके से 160 से, कि आपको कितना पावर डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो भाई अगर इसके पावर स्पेसिफिकेशन की बात कर ले तो आपको इसमें 249 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक SOHC 2-वेल्व ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है आपको, ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है इसमें। और जिसमें अगर नंबर ऑफ सिलेंडर्स की बात करें तो सिंगल सिलेंडर आ जाती है अपनी, सिंगल सिलेंडर होने के साथ साथ आपका ये पावर की बात कर ले तो इसमें आपको पावर
24.5 PS की मिल जाती है 8750 RPM में, और 21.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिल जाता है 6500 RPM में, और ड्यूल जो आपको मैंने बताई थी ड्यूल चैनल एबीएस मिल जाता है आपको फ्रंट और रेयर पे। अगर भाई इसके हम फ्यूल टैंक पे आ जाना तो 14 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है जो कि आपको 35 तक की माइलेज दे देता है। 35 तक की माइलेज भाई बहुत अच्छी है 250cc के इंजन के लिए, आपको माइलेज भी अच्छी खासी दे रहा है, लुक्स भी आपको सिमिलर मिल जाते हैं 160cc के। पावर आपको इसमें बहुत ज़्यादा मिल जाती है, अगर आपको पावर से मतलब पावर चाहिए आपको ज़्यादा और मतलब सेम लुक्स में चाहिए तो आप इसकी तरफ ज़रूर जा सकते हो। अभी ये लॉन्च हुई है तो इसका ज़रूर आप चेकआउट कर सकते हो बजाज के शोरूम पे आगे, बहुत अच्छी खासी बाइक है। 35 तक की माइलेज मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है भाई, अगर उसकी भी बात करें तो वो भी आपको 40 या 45 या 40 तक की ही माइलेज देगी, ज़्यादा नहीं देगी। तो थोड़ा अगर बजट एक्सटेंड करके ये ले सकते हो तो ये ज़रूर जाना। अगर हम इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करें तो अभी आपको एक्स शोरूम 150 के अराउंड पड़ रहा है, ऑन रोड 170 के अराउंड चला जाता है। वो आपके सिटी टू सिटी मैटर भी करता है भाई, स्टेट टू स्टेट भी। और अगर हम इसकी फाइनल सर्विस कॉस्ट की बात करें, सर्विस कॉस्ट अगर पेड सर्विस आपकी बात करें तो 1000 तक के पड़ जाती है पेड सर्विस, ज़्यादा महंगी नहीं है, एक मतलब बजट फ्रेंडली बाइक है। आप 250cc में बहुत अच्छी खासी आपको पावर भी मिल जाती है, लुक्स भी मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है भाई। अगर हम इसकी भी एक बार डिफरेंस की बात कर लेते हैं पावर की, तो अगर हम 160 की बात करें तो आपको जैसे मैंने बताया था पहले भी वीडियोस में 16 PS की पावर मिल जाती है आपको इसमें, और 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। और वही आपको यही N250 में आपको 24 PS की पावर मिल जाती है, 21 न्यूटन मीटर का टॉर्क, तो पावर का बहुत अच्छा खासा डिफरेंस मिल जाता है। तो कोई ज़्यादा पावरफुल बाइक चाहिए तो इसमें जा सकते हो, सेम लुक्स में मिल जाती है। मेन इसका एग्जॉस्ट का ही फ़र्क लगा मेरे को, और तो कुछ नहीं है भाई, मडगार्ड तक सेम, पीछे टायर साइज़ भी सेम ही लग रहा है मेरे को, और सब कुछ मतलब कॉपीड है सब कुछ, बस एग्जॉस्ट को छोड़ के सारा कुछ चेंज कर मतलब वही कर रखा है सेम। पावर तो के लिए आप ज़रूर जा सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और भी नई वीडियोस आने वाली है भाई बहुत अच्छी अच्छी, क्योंकि कई सारी बाइक लॉन्च हो चुकी है और मैं लगातार मतलब वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। ज़रूर ये अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने चैनल को यही सब्सक्राइब कर देना। तो फिर भाई एक बार चलो फिर ऑन कर दिया तो एक बार एग्जॉस्ट का डिफरेंस दिखा दो, एग्जॉस्ट का डिफरेंस दिखा दो सर। तो एग्जॉस्ट की एक बार साउंड सुन लो, इसमें डिफरेंस क्या है। अगर इसका लो इसका ऑन करना, तो भाई अगर इसका एग्जॉस्ट के डिफरेंस की बात करें तो उसकी ज़्यादा स्मूथ साउंड लगी। अब इसकी देखते हैं कैसी है, स्मूथ है क्या, कैसी साउंड आ रही है। कुछ डिफरेंस लगा सर आपको? भाई इसके अंदर बेस ज़्यादा है, बेस ज़्यादा है तो अच्छा, मतलब मेनली इन्होंने ये करा है जो चेंज करके अपना एग्जॉस्ट जैसे आपका उसका अंदर दे रखा है थोड़ा सा और इसका भार है तो इसमें बेस ज़्यादा बढ़ गया। KTM 125 सर, KTM 250 में। अच्छा अच्छा KTM में जैसे डिफरेंस है ना वैसे ही है, जैसे उसका भी कई एक आधा अंदर हाँ इसका ऊपर आता है, तो बेस ज़्यादा बढ़ चुका है इसमें और पावर भी बढ़ चुकी है, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। मेनली वैल्यू फॉर मनी दोनों बाइक्स हैं, आपके बजट पे डिपेंड करता है, थोड़ा एक्सटेंड करके आप ये भी ले सकते हो। तो फिर भाई अपनी ये वीडियो पसंद आ गई हो तो फाइनली लाइक कर देना वीडियो को, ऐसी अगली बढ़िया सी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।